दूर से सलाम करनी पे अपनी पीऊ की शादी थे मेरे अब्बा की शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू रिएक्शन के साथ रिएक्शन में देने वाली हूँ उन तमाम रिएक्शन वालों को जो इतना झूठ बोलते हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आज का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ नैना के अब्बू पर, यानी जी हाँ अकबर साहब पर, कि अकबर साहब की जो है ना शादी हो रही है, वो पंजाब जा चुके हैं पूरी फैमिली के साथ, दिलबर के साथ, तो उनकी शादी हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि इतना भी कोई बंदा झूठ ना बोले, रिएक्शन वालों ने इतना जो है ना बड़ा झूठ बोला है कि जो है ना वो शादी करने के लिए गए। हाँ हम लोग भी देखते हैं इनके वीडियोज़ ब्लॉग देखते हैं, लेकिन वो अपने किसी रिलेटिव या अपने रिश्तेदार की शादी में गए हैं दिलबर की फैमिली के साथ। अगर शादी करते भी हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अकेले रहते हैं, अगर शादी करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं सुकून से तो इसमें कोई वो बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं। तो औरतों के लिए जो है ना फ़र्ज़ है समझ ले, या ज़रूरी भी है कि वो जो है ना शादी कर सकती हैं, उनको यानी हक है पूरा, वो शादी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन रिएक्शन देख देख के मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि इतना कोई बंदा झूठ बोलता है। और मैं कभी कभार इतना वो परेशान हो जाती हूँ कि इस रिएक्शन के चक्कर में कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊँ, क्योंकि इतना कोई हर बात पे झूठ। नैना के वीडियोज़ में देखें, उसके वीडियोज़ में देखें, तो उनके बाप की शादी हो रही है लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता उनके बाप की शादी हो रही है। बस ये रिएक्शन वालों को ही पता है कि किसकी शादी हो रही है, किसकी सुलह हो रही है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके साथ मर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ना रिएक्शन वालों को पता है, हमें नहीं पता। तो बातों बातों में ये देखें मेरा सालन भी रेडी है और ये सुन आप लोग सुन सकते हैं। सलाम करनी पे अपनी पीऊ की शादी थे मेरे अब्बा की शादी हो रही है। मैंने ना 2-3 मिनट के काफी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, शादी की बात हो रही है और मेरे ही अब्बा जान की शादी की बात। खैर भाई मुझे तो नहीं पता मेरे अब्बा की शादी हो रही है, लगता है फिर से पैदा होने वाली हूँ। तो भाई हम लोग अपने अब्बू की शादी देखेंगे, ऐसा कुछ होने वाला मुझे नहीं पता अभी शादी का। अब्बू ने मुझे कुछ नहीं बताया, अब्बू से मुझे हर बात बताते हैं लेकिन ये बात अब्बू ने जब तक नहीं बताया। अगर शादी हो रही तो अच्छी बात है, शादी करना कोई गुनाह नहीं। निकाह में वैसे मैं निकाह के हक में, अगर आप निकाह करते हो तो निकाह जो है हमारे इस्लाम में है। वो किसी को पसंद करते तो मुझे अब्बू ने बताया नहीं। खैर अरेंज मैरिज आई थिंक हो रही है, मैरिज नहीं है गाइस, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है। आपकी शादी के लिए अभी से तैयार हुआ, मैंने यहाँ पे दिल भी बनाया सिर्फ इसलिए आपकी शादी की बात सुन के मेरा यहाँ पे दिल आ गया। देखते हैं क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता। शादी है गाइस और मुझे ही नहीं पता। क्या है यार, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, अपने अब्बा जान की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। सुन लिया आप लोगों ने कि ये क्या कह रही है, इनके बाप की शादी है और इनकी माँ जो है ना वो खुद हंस हंस के पागल हो रही है कि इनके बाप की शादी, इनको खुद को नहीं पता। भाई इतना झूठ नहीं बोले, पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, इस तरह से झूठ बोल बोल कर जो है ना अपने बच्चों को मत पालिएगा। इन तमाम रिएक्शन वालों के लिए है मेरा मैसेज। उम्मीद करूंगी आज का जो रिएक्शन है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।